और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इट इज द सीएमए स्टूडेंट्स ठीक है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंडिया पर मिलने वाला है पर फटाफट को करके दबा दीजिए और ज्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करिएगा राइट तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट सोचे थे जो सिलेबस है इसका फर्स्ट एग्जाम कब होने वाला है जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो तो सर व्हाट अबाउट द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट क्या उनका जून ट्वेंटी थ्री में आ, ओल्ड पहला बात दिसंबर ट्वेंटी टू में तो भाई ओल्ड ही है सर बट मान लीजिए मेरा जून ट्वेंटी थ्री में एग्जाम है तो क्या मैं ओल्ड सिलेबस में नहीं दे सकूंगा इसका आंसर बहुत क्लियर है अगर आप ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपका जो भी एग्जाम होगा चाहे वो जून ट्वेंटी थ्री में हो या दिसंबर ट्वेंटी टू में हो या दिसंबर ट्वेंटी थ्री में हो वो ओल्ड सिलेबस में ही होगा जब तक इंस्टीट्यूट आपको शिफ्ट नहीं करता न्यू सिलेबस में सो इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द ओल्ड सिलेबस ये सिलेबस आपके लिए बिल्कुल नहीं है आप अपना जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे कंटिन्यू करते रहिए

और हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है फाउंडेशन का फर्स्ट अगस्त या उसके बाद तब तो डिफॉल्ट आप न्यू सिलेबस में ही हो इंटरमीडिएट और आपका पड़ेगा जून टू स्टडी बिकॉज यू गैस आर गोइंग टू अपियर अंडर दिलेबस इट अभी हम लोग का बैच चल रहा है वो तो ओल्ड सिलेबस वाला चल रहा है लेकिन ब्रेकिंग न्यूज न्यू सिलेबस का चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो हम लोग का बैच स्टार्ट होने वाला है अगस्त लास्ट वीक से या फिर सेप्टेंबर फर्स्ट वीक से अगस्त लास्ट वीक फर्स्ट वीक से हम लोग का जो नया बैचेस है वो स्टार्ट हो जाएगा फॉर जून ट्वेंटी थ्री एंड देयर आफ्टर अंडर द न्यू सिलेबस मतलब एमईपीएल अब जो भी नया बैच लेगा वो न्यू सिलेबस के हिसाब से लेगा एंड ऑल द फैकल्टीज ऑफ एमईपीएल वी हैव हैड आवर इंटरनल डिस्कशन एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू लॉन्च दिस न्यू सिलेबस तो मोस्ट अगस्त लास्ट वीक फर्स्ट वीक से हम लोग न्यू सिलेबस का जो है वो स्टार्ट कर देंगे फेस टू फेस क्लासेस भी लाइव एट होम क्लासेस भी एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके मोबाइल ऐप या लैपटॉप पर ठीक है ना तो जब एम तो डरने की क्या बात आपका पूरा जिम्मेदारी हमारा है, आपको सीएमए बना करके छोड़ेंगे अगर आपने सीएमए कोर्स चुना है आपको सीएमए बना करके छोड़ेंगे हमारा गारंटी है ठीक है ना एंड डोंट फॉरगेट इट इज इंडी डाड हिडन गोल्ड माइन प्रॉब्लम तो है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बट अभी भी हिडन एन गोल्ड माइन तो है ही

सर uh, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके यहाँ पर एडमिशन ले रखे हैं तो वो तो ओल्ड सिलेबस में एडमिशन ले रखे हैं तो वो तो ऑब्वियस बात है ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को तो जबरदस्ती न्यू सिलेबस का पढ़ाई नहीं करना है भाई तुम समझो अभी न्यू सिलेबस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उन बच्चों को जो है uh, कोई टेंशन नहीं लेना है चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो आप लोग सारे एम के बच्चे हैं चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो एम हमेशा आपका ध्यान रखा है आगे भी रखेगा और हमेशा रखते आया भी है ठीक है सो डोंट यू वरी अबाउट द सिलेबस जो भी आपका सिलेबस होगा उसी सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको सीएमए बनाया जाएगा अब डिटेल डिस्कशन जो फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल का सिलेबस के ऊपर है वो हम लोग जो है ना वीडियो लाने वाले हैं फाउंडेशन के ऊपर अलग इंटरमीडिएट के ऊपर अलग फाइनल के ऊपर अलग सो स्टे ट्यून टू द द चैनल सब्सक्राइब चैनल हिट द बेल आइकन ताकि हम आपको बता सके कि इंटरमीडिएट में किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट चेंज आया फाइनल में किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट चेंज आया क्या नया सब्जेक्ट आया फाउंडेशन में किस सब्जेक्ट में कितना परसेंट चेंज आया वो वीडियोस कल से आना चालू हो जाएंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें Pakka abi abi. Do it now and do share this video with all your friends. okay So all the very best. The motive of this video was just to make sure that MAPL is there with you. Under all circumstances, you need not panic. We are there with you. All the best.